हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा। बच्चों, आज के वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा जो होता है वो सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरियल किंगडम है। ये लाइन जो है ये सीधे एनसीईआरटी से ली गई लाइन है। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, क्लास 11 बॉटनी, किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया इज़ द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया जो यहाँ पे जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब बैक्टीरिया की तस्वीरें हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी है, तो एक तरफ बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक भी है, बहुत सीरियस डिजीज़ भी कॉज कर सकती है और बहुत बेनिफिशियल भी हमारे लिए साबित हो सकती है। तो ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमारे पूरे वर्ल्ड में। ये हर जगह देखने को मिलेगा, आप जहाँ जहाँ सोच सकते हो वहाँ वहाँ बैक्टीरिया आप देख सकते हो। ये सब तस्वीरें हैं, डिफरेंट शेप होती हैं, साइजेस होती हैं, वो बैक्टीरिया की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा, इस मोनेरा किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। जी हाँ, आप सोच के लगेगा कि इतना बड़ा किंगडम है और उसमें आप बैक्टीरिया को दे दियो। तो बच्चों, बैक्टीरिया सोचने में लगता है कि बैक्टीरिया जो है वो बस एक है, लेकिन इसकी जो रेंज है एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वाइड है। आपको डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। बस बैक्टीरिया में आपको ऐसा नहीं है कि बस एक टाइप के ही बैक्टीरिया है और इनको ये किंगडम दिया गया। अगर किंगडम दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो अलग होगा। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो रेंज है वो काफ़ी वाइड है। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर ये पाया, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब किसी को जानना होता है, अगर मुझे ही आपको जानना होगा तो आप मेरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करोगे, इससे मेरे बारे में काफ़ी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैम कैसी हैं। तो इसी तरीके से हम अगर बैक्टीरिया के बारे में, ये सब बैक्टीरिया डिफरेंट शेप एंड साइज़ के, तो इसी तरीके से बैक्टीरिया के बारे में बच्चों अगर आपको पढ़ना होगा तो पहले इनकी नेचर को पहचानना होगा, इनके नेचर, इनके कैरेक्टरिस्टिक पर बात करनी होगी कि आखिर ये है क्या, दिखते कैसे हैं, करते क्या हैं। तो इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने हैं। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो बैक्टीरिया आया, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। ये मोस्ट प्रिमिटिव है। जी हाँ, सबसे पहले बैक्टीरिया ही हमारे वर्ल्ड में आया, हमारे इन्वायरमेंट में आया और वो सर्वाइव किया। बैक्टीरिया ऐसे ऐसे जगह पे सर्वाइव कर जाता है जहाँ कोई नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, उनके एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है। मैंने पहले ही आपको कहा था, आप जहाँ जहाँ सोच सकते हो बैक्टीरिया आपको वहाँ वहाँ देखने को मिल सकता है और मिलता ही है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, तो एक दो बैक्टीरिया नहीं होता एक जगह। इनकी जो कॉलोनीज़ वगैरह जो बनती है ना, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एसेक्सुअल होता है, तो इस तरीके से जो इनकी जो प्रोजेनी होती है वो काफ़ी जल्दी ग्रो करती है। तो आपको एक से दो, दो से तीन, आपने कभी दही जमाया होगा, दही किस तरीके से जमता है, वो यूज़फुल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली। तो उससे जो दही जमता है, आप थोड़ा सा डालते हो, थोड़ा सा आप एक्टिवेटर मतलब थोड़ा सा दही डालोगे दूध में, तो वो पूरा वो जो दूध है वो दही के फॉर्म में आ जाता है। बैक्टीरिया उसमें रिएक्शंस करते हैं और उस तरीके से उसमें क्या होता है, दही जम जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। यूज़फुल बैक्टीरिया जो कि हमारे स्टमक के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, तो ऐसे भी यूज़फुल बैक्टीरिया है। और दूसरी तरफ बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल डिजीजेस कॉज करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स, इसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस बाउंडेड ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा यूकैरियोट, क्योंकि जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो आपको यूकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक है, यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। बट मोनेरा जो होता है सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया किंगडम, दे आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक आप समझ रहे हो ना, बैक्टीरिया अगर आपके आपके बॉडी के सरफेस पे भी बैक्टीरिया पाई जाती है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो। अगर देख सकते हो तो ऐसा नहीं ना आप उसको काउंट करो कि मेरे बॉडी पे 10 बैक्टीरिया यहाँ बैठी हुई है तो चलो अभी डिटॉल से धो के इसको हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको देख ही नहीं पाओगे, ये नेकेड आई से पॉसिबल ही नहीं है देखना। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इनका होता है, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप इसको देख सकते हो। यूनिसेलुलर होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, लेकिन कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जो पिलाई के फॉर्म में होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके ऊपर इस तरीके से काटा काटा नुमा कुछ निकला रहता है, उसको पिलाई कहते हैं। तो ये अटैचमेंट के लिए भी काम करता है। मैं आपको बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, वहाँ बताऊंगी। तो ये एक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो आपको अटैचमेंट के लिए भी काम करता है और अदर साइड ये रिप्रोडक्शन में भी काम होता है, इसका काम आता है। तो इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट ज़्यादातर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। बेचारे बहुत सीधे साधे और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, बट हाँ जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल है नहीं। डिजीज़ बहुत काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ कॉज कर देते हैं ये।
आगे देखते हैं जो किंगडम मोनेरा आई मीन बैक्टीरिया द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, तो सब किंगडम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ऐसे करके बहुत सारा क्लासिफिकेशन। आर्की बैक्टीरिया मैंने बोला था नहीं, बहुत ज़्यादा हीरो होती है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है ना, उसका कंपोजिशन शायद ईथर लिंक होता है, इस वजह से जो सेल वॉल होता है ईजिली ब्रेक नहीं होता। ये हर जगह मिल जाएंगे, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में एक्सट्रीम जगह पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो डिफर होते हैं यू बैक्टीरिया से, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म और एक्जॉटिक इन्वायरमेंट वो अलग होता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया का जो आपका मेटाबॉलिज्म और एक्जॉटिक इन्वायरमेंट डिफर करेगा आर्की बैक्टीरिया से। मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है ना, वो मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट बहुत खतरनाक, मतलब हॉट स्प्रिंग जो तो वेल्केनोज वगैरह में भी पाए जाते हैं, वही ओनली बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है, और लेकिन आपके जो यू बैक्टीरिया है ना बच्चों, ये उतने ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते। ये डिफरेंस इन दोनों में हो गया। आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, इसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। नॉट क्लासिफाई, इसको हम लोग ना उसके शेप हो गया, शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई नहीं करते, जैसे कि कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, स्पाइरिलम हो गया, बट इसके केमिकल कंपोजिशन, जो उनके सेल वॉल में जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, और ये जो रिएक्शन परफॉर्म करते ग्राम स्टेन, उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अब ग्राम स्टेन देख के एक न्यू लग रहा होगा, लेकिन हमें तो बहुत को पता होगा ग्राम स्टेन होता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्पल सल्फर पर्पल कलर आ जाता है, स्टेन करता है। तो ये काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो इस तरीके से इनको हम लोग ये क्लासिफाई करते हैं। यू बैक्टीरिया क्या हो गया, ट्रू बैक्टीरिया हो गया, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे जो नॉट क्लासिफाई बोल रहा है, मतलब बता रहा है कि इसको शेप है, कोकस हो गया, रॉड शेप, स्पाइरलम, इस तरीके से क्लासिफिकेशन इसका नहीं होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, तो इसका जो क्लासिफिकेशन होगा इसके केमिकल कंपोजिशन, जो उनके सेल वॉल में जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग होगा, और वो किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग जो रिएक्शंस होता है किस तरीके से परफॉर्म करके क्या इसका रिजल्ट देते हैं, उस अकॉर्डिंग से इनका क्लासिफिकेशन होता है यू बैक्टीरिया का, मतलब ट्रू बैक्टीरिया का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दीज बैक्टीरिया लिव इन द वेरी हॉट एसिड हैबिटेट ऑफ 60-80 एंड पीएच अराउंड 2-4, लाइक द फोटो ऑफ ए हॉट स्प्रिंग बिलो द रेड स्टेन ऑन द रॉक आर दी प्रोकैरियोटिक सेल। इस तरीके से भी यहाँ भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ भी नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं है, बट बैक्टीरिया आर दी हीरोज, वो हर जगह पाए जाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आए थे अर्थ पे। फोटोग्राफ्स देख लो कितना सही है। अब यू बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो सबसे पुराने। अब देखते हैं ना, हमारे बीच में भी तो होता है ना, हमारे जो दादा परदादा होते हैं वो थोड़े पुराने, हम लोग न्यू जनरेशन के, तो बैक्टीरिया में भी थोड़ा जनरेशन स्वैग होता है, इनमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना मोस्ट मॉडर्न, यू बैक्टीरिया दे आर द मोस्ट मॉडर्न बैक्टीरिया, सबसे मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। और या इनहैबिट नियरली एवरी नोन हैबिटेट, आप जहाँ जहाँ जानते हो सोच सकते हो वहाँ सब जगह ही आपको देखने को मिलेगा। ये कंज्यूमर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, डिकम्पोजर भी होता है, सबसे बड़ी बात ये तीनों रोल अदा करते हैं, और कुछ इसमें से डिजीज़ भी कॉज करते हैं, बट मोस्ट आर हार्मलेस, ज़्यादातर जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं करते हैं, दे आर फ्रेंडली, दे आर गुड फॉर अस, बट सम कॉजेज डिजीज़। एंड उसके बाद बैक्टीरिया के बारे में और जानते हैं हम, तो दे आर फाउंड इन नियरली एवरी हैबिटेट स्टडीज इंक्लूडिंग सम दैट नो अदर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू विदस्टैंड। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे ऐसे जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, भाई इनको क्या शौक चढ़ा है ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे रहने का, बट उनकी मैकेनिज्म, उनके अंदर की जो सेल वॉल की जो कंपोजिशन उस तरीके से होती है कि वो सर्वाइव कर लेते हैं, बट नॉर्मल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं कर पाएंगे। तो आप जहाँ जहाँ सोच सकते हो वहाँ वहाँ बैक्टीरिया आपको देखने को भी मिलेगा। तो आप सोचो कहाँ कहाँ आप सोच सकते हैं, आपका दिमाग जहाँ जहाँ जा सकता है वहाँ वहाँ बैक्टीरिया मौजूद हैं। बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल के साथ सराउंड किया हुआ रहता है, लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गॉल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। कुछ जो होते हैं वो कवर किए होते हैं स्लाइम लेयर से, और कुछ स्लाइम लेयर से,
और जिसको कैप्सूल कहेंगे, और कुछ के पास फ्लैजिला होते हैं फॉर लोकोमोशन। तो इस तरीके से जो होते हैं ना बैक्टीरिया, उनके पास ऐसे पूछ होती बड़ी सी, ये फ्लैजिलम होते हैं, दे आर फॉर द मूवमेंट पर्पस, ठीक है, ऐसे ऐसे पिलाई होते हैं, दे आर फॉर अटैचमेंट एंड रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल स्पेशली फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशली फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड पिलाई ओनली फॉर द मूवमेंट। उनको चलने फिरने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है, तो मूवमेंट के लिए उनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग कि प्रोकैरियोट्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। उनके पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो होता है जो सेल से अटैच होता है, लेकिन सेल से सराउंड होता है, यहाँ पे सॉरी सेल से अटैच नहीं, सेल से सराउंड होगा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, लेकिन वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स। कुछ लेयर्स होते हैं जैसे कि हाँ, अब भाई कैप्सूल वगैरह क्या होता है ना, अगर आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो, ठंड के टाइम में आप स्वेटर पहन लेते हो, शॉल ओढ़ लेते हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से बचने के लिए। इस तरीके से इनके पास भी ये कैप्सूल, इनका कपड़ा है, इस तरीके से ये कैप्सूल पहन लेते हैं, मतलब कैप्सूल कवर कर लेते हैं। फ्लैजिला का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब शेप देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया, ये लड्डू लड्डू है, तो ये नहीं समझना कि मोतीचूर का लड्डू है, ऐसा कोई लड्डू नहीं होता खाने का, ये लड्डू की फ़ोटो नहीं है, बैक्टीरिया है बच्चों। कितना मतलब देख के लगता नहीं है कि ये बैक्टीरिया है, बट शेप एंड साइज़ देखिए इनकी, वैरायटी कितनी है। तो ये जो है ना कोकी है, स्फेरिकल कोकस शेप बैक्टीरिया है, उसके बाद बेसिलाई है, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरेला स्पाइरल शेप है, स्पाइरुलम शेप का, तो डिफरेंट शेप वैरायटी है बैक्टीरिया में देखने को आपको मिल सकता है। एनसीईआरटी में भी ये आपको बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है किंगडम मोनेरा में, आप उसको ज़रूर देखना है वीडियो देखने के बाद। इनके साइज देख लो, 1 माइक्रोमीटर स्फेरिकल स्फेरिकल कोकाई जो गोल गोल से लड्डू हैं, इनका जो साइज़ है 1 माइक्रोमीटर है, रोड शेप जो है वो 2 माइक्रोमीटर है, बैसिली है जो है, और स्पाइरल जो है वो 5 माइक्रोमीटर है। तो उसके रेंज भी देख लीजिए इस तरीके से। अब न्यूट्रिशन की बात करें, सब कुछ तो बात कर लिया, अब ये खाते पीते कैसे हैं इनके बारे में भी, तो इनका भी ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक है खाते पीते के, आप कहीं मेहमान जाओगे तो नेचर आपके बारे में पता है आपके दोस्त को, आप फर्स्ट टाइम इसके घर पर विजिट करोगे तो आप उसको ये भी तो बताओगे नेचर, तो ये भी शामिल होगा कि, तो न्यूट्रिशन की बात होगी, ठीक है। तो इस तरीके से पता होता है कि आप क्या खाती हो क्या पीते हो, कुछ लोग बहुत ही शाकाहारी होते हैं, कुछ होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो पता होना चाहिए ना, आप कहीं जाते हो तो आपके न्यूट्रिशन मतलब फूड हैबिट पता होनी चाहिए। तो चलिए इसकी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है, पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन कुछ होते हैं ना वो हेटरोट्रॉफ होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ सोचते हैं कि मैं ही इतना खाना क्यों बनाऊं, ठीक है। तो आप घर पे भी देख सकते हो कितना फ़नी सा मतलब होता है ना कि घर में जो बड़े जो सिबलिंग्स होते हैं, तो बड़े भाई बहन जो होते हैं वो हर काम करते हैं, खाना पकाते हैं, मैगी वैगी बनाते हैं, कुछ भी खाने पीने का चीज़ करते हैं, लेकिन छोटे जो भाई बहन होते हैं उनको कुछ भी नहीं करना, थल के पानी तक नहीं पीना होता, उनको सब कुछ चाहिए, बिस्तर पे सोफे पे चाहिए उनको। तो वो क्या, दे आर हेटरोट्रॉफ, वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। तो कुछ है ऑटोट्रॉफ, बड़े भाई बहन ऑटोट्रॉफ हो गए, छोटे भाई बहन हेटरोट्रॉफ हो गए, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो केमिकल के ज़रिए से मतलब केमिकल रिएक्शन करके खाना बनाते हैं, कुछ मतलब क्यूमो ऑटोट्रॉफ जिनको कहेंगे, केमिकल के ज़रिए से केमिकल रिएक्शन करके जो खाना बनाएं क्यूमो ऑटोट्रॉफ्स। और कुछ जो होते हैं फोटो सिंथेटिक होते हैं, कुछ सनलाइट लेके लाइट के हेल्प से जो खाना बनाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं उनको, ठीक है। ठीक है, ये देख लीजिए सनलाइट। अब ये देखिए कुछ होते हैं ना वो समर पैरासाइट्स, ये कितना ख़तरनाक सा जॉम्बी टाइप इमेज दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है बच्चों, असल में डरने की बात नहीं, पढ़िए इसके बारे में। समर पैरासाइट्स विच लीव ऑफ लिविंग होस्ट, इनको जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स का काम ही क्या होता है ना, उनको होस्ट एक चाहिए होता है जिससे वह सकिंग कर पाए न्यूट्रिशन को। अब दे आर नार्सिसिस्ट, बट बैक्टीरिया में कोई नार्सिसिस्ट नहीं होता, बट मैं मजाक कर रही हूँ, ये पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट पर डिपेंड करते हैं, उनको होस्ट बॉडी चाहिए होता है न्यूट्रिशन लेने के लिए, जैसे कि ल्यूकोथ्रिक्स म्यूकोर एग्जांपल हो गया। ये डायग्राम देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सा है, ख़तरनाक सा और काफ़ी ड्रावना सा डायग्राम है। दे आर ल्यूकोथ्रिक्स म्यूकोर, दे आर पैरासाइटिक इन नेचर, दे डोंट मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स एंड इन शॉर्ट दे आर पैरासाइट्स। समर सैप्रोप्स फीडिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट, कुछ होते हैं ना जो सड़े गले मड़े पे जो होते हैं ना वो सर्वाइव करते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर्स, कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं बैक्टीरिया में।
एंड रिप्रोडक्शन ये देख रही है आपको डीएनए है, इज ए सर्कुलर डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम अटैच टू द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स के पास जो होते हैं ना, इनका जो रिप्रोडक्शन होगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा, तो ऑब्वियसली दे आर प्रोकैरियोट्स एंड दे हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम जो कि अटैच हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन, ये देखिए किस तरीके से, ये यहाँ से आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये एक डिवीज़न हुआ, ये हट के फिर ये दूसरा ऑफस्प्रिंग बन गया। सिंपल स्प्लिटिंग इन टू, मतलब दो में, एक जो पेरेंट बॉडी है ना वो दो में स्प्लिट कर गया, स्प्लिट करके जो निकला ना, और इनकी डीएनए भी कॉपी हो गई, ये स्प्लिट करके निकला, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ से, ठीक है। प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल स्प्लिटिंग इन टू, द डीएनए इज कॉपीड एंड द सेल डिवाइड्स इन टू टू आइडेंटिकल सेल। अब ये सेल डिवाइड हो गए, दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो गए, इनके न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गए। कितना सिंपल सा रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है इसमें। बस इतना ही था, तो अगर मैं रिवाइज कराऊँ आपको शॉर्ट्स में, आप देख लो बैक्टीरिया के बारे में तो क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का डायग्राम है जो कि आपने देखा, ठीक है, शॉर्ट में रिवाइज कर। किंगडम मोनेरा, मतलब मोनेरा बैक्टीरिया जो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम, एंड सबसे ओल्डेस्ट है, प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोट्स है, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस नहीं होते, न्यूक्लियस बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इस तरीके से ऑर्गेनल्स इसमें देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, बहुत ही सीधे साधे सिंपल ऑर्गेनिज्म है। और इनका जो सब किंगडम है आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट में देखने को मिलेगा। इनका सेल वाल का कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये जो होते हैं यू बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया हर एक एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट पर रह लेते हैं, सेल वाल कंपोजिशन भी डिफरेंट है। और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, इनके शेप एंड साइज, बैसिली स्पायरम शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई नहीं करते, बट इसको क्लासीफाई करते हैं उनके सेल वॉल कंपोजिशन और ग्राम स्टेन जो रिएक्शन होता है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एंड उसके बाद ये देखिए न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद हाँ ये शेप साइज, ये कहाँ चला गया बच्चों, स्लाइड, हाँ यहाँ थे, ये हॉट स्प्रिंग है, यहाँ भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा हॉट स्प्रिंग, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिल सकता है, ये डायग्राम है। एंड यू बैक्टीरिया बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा टशन में स्वैग वाले बैक्टीरिया, बिकॉज दी और दी मॉडर्न बैक्टीरिया, एंड ये कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी, डिकम्पोजर भी है, एंड कुछ होते हैं ना डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं। एंड जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हर एक हैबिटेट में मिल सकते हैं, और ऐसे ऐसे जगह पाए जाएंगे जहाँ एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। दूसरा बात देखिए कि बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो सेल से अटैच होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सेल बट वहाँ भी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ के पास कवर होता है, स्लाइम कवर होता है जिसको कैप्सूल कहेंगे, फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, पिलाई होता है रिप्रोडक्शन के लिए, अटैचमेंट के लिए, बेसिक शेप के होते हैं, लड्डू जैसे होते हैं, कोकी होते हैं, बैसिली होते हैं, स्पाइरल होते हैं, इनके शेप एंड साइज़ भी अलग होते हैं, इनके डायमीटर्स भी अलग होते हैं, एंड न्यूट्रिशन होता है, कुछ होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ बोलते हैं भाई हम खाना नहीं बनाएंगे तुम हमको दे दो, इस तरीके का भी इनके साथ होता है, मतलब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं कुछ। उसके बाद ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होता है ना, जो खाना खुद बनाते हैं वो केमिकल रिएक्शन के जरिए से बनाएंगे, क्यूमो ऑटोट्रॉफ कहेंगे, और जो फोटो सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके बनाएंगे उसको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, ठीक है। कुछ पैरासाइटिक्स होते हैं जैसे कि ल्यूकोथ्रिक्स, म्यूकोर होते हैं, उनको होस्ट बॉडी चाहिए होता है सकिंग करने के लिए न्यूट्रिशन को, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर पैरासाइट्स, ठीक है। कुछ होते हैं सैप्रोप्स होते हैं जो कि डेड मरे सरे गले पे अपना वेस्ट पे जो सर्वाइव करते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो इनके पास जो होते हैं प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम अटैच होता है उनके अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से, एंड यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि एक जो पेरेंट है, मतलब पेरेंट बॉडी जो है वो स्प्लिट कर जाएगी दो में, और दोनों आइडेंटिकल एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।